सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाइए इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है, आपका वाईफाई शो नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर आपका वाईफाई आ रहा है जा रहा है प्रॉपरली, मतलब वर्क नहीं कर रहा, तो कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सर्च बार में जाके CMD टाइप करना है, देन इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दें आप। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको इसमें लिखना है नेट SH स्पेस विनसॉक फिर स्पेस रीसेट, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये, ठीक है, कमांड, तो आप उसको वहां से भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। फिलहाल वैसे तो आप टाइप कर ही लोगे, कुछ ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, देन सिंपल इंटर कर दें आप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली रीसेट द विनसॉक कैटलॉग, यू मस्ट रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रीसेट। तो आप अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कर दें, आई होप आपका प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे भी सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, तो मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ अपने वाईफाई इशू को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप अपने कंट्रोल पैनल में जाएं, उसके बाद डिवाइस मैनेजर में जाएं, आप यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर को देखें, ये रहा नेटवर्क एडेप्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हो रियल टेक, ये फलना फलना, ये वाईफाई एडेप्टर हमारा पहले से इंस्टॉल्ड है। आपका यहाँ नहीं होगा तो आप इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पे अपडेट ड्राइवर में जाके ब्राउज माई कंप्यूटर लेट मी पिक, देन ये सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है, और नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड मार्क आ चुका है और हमारा वाईफाई ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप में ये शो नहीं करता तो आप डायरेक्टली इंटरनेट से अपडेट कर सकते हो, आप इथरनेट केबल लगा के भी कर सकते हो ये काम, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व हो जाता है, या फिर मैंने फर्स्ट ट्रिक जो बताई उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता तो मैं उसके लिए भी एक और ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। बस अपने सर्च बार में जाके सेटिंग लिखें आप, ठीक है। सेटिंग लिखने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट पे सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे वाईफाई दिख रहा होगा, वाईफाई, तो ये वाईफाई पे क्लिक करें आप और इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आएं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा आपका शो कर देगा, यहाँ जो जो आपका कनेक्शन ऑन है या नहीं है। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली स्टेटस पे क्लिक कर लें आप, ठीक है, और फिर स्क्रॉल करके नीचे आएं और यहाँ पर नेटवर्क रीसेट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आपको उस पर क्लिक करना है और देन रीसेट नाउ। आपको ये कुछ पूछेगा, परमिशन मांगेगा, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट योर नेटवर्क सेटिंग, आप लिख दीजिएगा यस, ठीक है। तो अब क्या करेगा, आपका जो PC है वो 5 मिनट के अंदर अंदर शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। इसको क्लोज कर दी करिए आप, बस मेरा ही PC से डन होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।